हाँ जी आली साहब स्पीकर साहब प्रश्न काल खत्म होंगे हुण असी एजेंडे की अगली आइटम लवांगे जीरो आवर आली साहब स्पीकर साहब जो पंजाब दे अंदर सरदार अमृतपाल सिंह दे मसले नूं लैके जो एक दहशत दा माहौल बनया होया उहदे बारे मैं गल करनी चाहुंदा क्योंकि बहुत सारे जिहड़े सिख नौजवान ने उहनां नूं झूठे केसां 'च फसाया जा रहा पिछले समय दे विच पंजाब ने बड़ा संताप हंडाया खास तौर ते सिख ने जिहड़े उहनां नूं अज पंजाब दे विच गुलामी का अहसास करवाया जा रहा जिहड़ा नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा रहा मैं समझदा कि बड़ी माड़ी गल आ क्योंकि जे कोई भी कसूरवार आ चाहे अमृतपाल आ जां होर आ कोई जे किसी ने कोई गुनाह किया तो कानून के दायरे दे विच रह के उहदे ते जिहड़ी इह कारवाई होनी चाहीदी सी लेकिन जो भी माहौल इंटरनेट बंद किया गया पिछले 3-4 दिनों तो देशों विदेशों के विच खास तौर पर NRI जिन्हें भी सिख बैठे ने अज वो पंजाब के माहौल नूं लैके बहुत ही ज़्यादा चिंतक ने सो जिहड़े भी बेकसूर सिख नौजवान ने जिहड़े पिछले कुछ दिनों तो पंजाब दे विच भी खास तौर पर मेरे हल्के दे विचों भी जिन्हां नूं बिना वजह गिरफ्तार किया गया सो तुरंत वो सारे जिहड़े नौजवान ने वह रिहा कराए जाण अते पंजाब दा जिहड़ा माहौल है इस नूं जिहड़ी शांति बनाई रखनी ये बड़ी जरूरी आ सो जो मैं फिर उही गल करदा कि जिहड़ा नैशनल सिक्योरिटी एक्ट जिहड़ा लगाया जा रहा वह बिल्कुल गलत हैगा सो जो भी कानून के दायरे च रह के कार्रवाई की जाए तो जो पंजाब दे विच असी एक चंगा माहौल आ जिहड़ा आने वाले समय के लिए वो असी सिर सकी सो धन्यवाद तुसी मैनू जीरो आवर से जो बोलने का मौका दिता हाँ जी आली साहब स्पीकर साहब प्रश्न काल खत्म होंगे हुण असी एजेंडे की अगली आइटम लवांगे जीरो आवर आली साहब स्पीकर साहब जो पंजाब दे अंदर सरदार अमृतपाल सिंह दे मसले नूं लैके जो एक दहशत दा माहौल बनया होया उहदे बारे मैं गल करनी चाहुंदा क्योंकि बहुत सारे जिहड़े सिख नौजवान ने उहनां नूं झूठे केसां 'च फसाया जा रहा पिछले समय दे विच पंजाब ने बड़ा संताप हंडाया खास तौर पर सिख ने जिहड़े उहनां नूं अज पंजाब दे विच गुलामी का अहसास करवाया जा रहा जिहड़ा नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा रहा मैं समझदा कि बड़ी माड़ी गल आ क्योंकि जे कोई भी कसूरवार आ चाहे अमृतपाल आ जां होर आ कोई जे किसी ने कोई गुनाह किया तो कानून के दायरे दे विच रह के उहदे ते जिहड़ी इह कारवाई होनी चाहीदी सी लेकिन जो भी माहौल इंटरनेट बंद किया गया पिछले 3-4 दिनों तो देशों विदेशों के विच खास तौर पर NRI जिन्हें भी सिख बैठे ने अज वो पंजाब के माहौल नूं लैके बहुत ही ज़्यादा चिंतक ने सो जिहड़े भी बेकसूर सिख नौजवान ने जिहड़े पिछले कुछ दिनों तो पंजाब दे विच भी खास तौर पर मेरे हल्के दे विचों भी जिन्हां नूं बिना वजह गिरफ़्तार किया गया सो तुरंत वो सारे जिहड़े नौजवान ने वह रिहा कराए जाण अते पंजाब दा जिहड़ा माहौल है इस नूं जिहड़ी शांति बनाई रखनी ये बड़ी जरूरी आ सो जो मैं फिर उही गल करदा कि जिहड़ा नैशनल सिक्योरिटी एक्ट जिहड़ा लगाया जा रहा वह बिल्कुल गलत हैगा सो जो भी कानून के दायरे च रह के कार्रवाई की जाए तो जो पंजाब दे विच असी एक चंगा माहौल आ जिहड़ा आने वाले समय के लिए वो असी सिर सकी सो धन्यवाद तुसी मैनू जीरो आवर से जो बोलने का मौका दिता।